Assalamualaikum students, next जो हमारा practical है that is experiment number 3.1, chapter number 3 से related है जो कि आपने 9th class में biodiversity की theory study की थी, ठीक है? तो उसमें आपने जो है ना वो mainly 5 groups के बारे में पढ़ा था, main जो topic था उसमें 5 kingdom classification system था, तो 5 different kingdoms आपने पढ़े थे, animalia के बारे में, plantae के बारे में, detail से आज हम जो है उसमें different organisms की study कर लेंगे, उनकी characters याद करेंगे। आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम में सेकंड क्वेश्चन होगा वो सेकंड क्वेश्चन इसी चैप्टर से रिलेटेड होगा, उसमें कुछ जानदारों की प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है? वो प्रॉपर्टीज यहाँ लिस्टेड हैं, आपसे कहा जाता है कि आप तीन तीन प्रॉपर्टीज या पांच पांच प्रॉपर्टीज जो हैं वो गिवन ऑर्गेनिजम्स की लिखें, या इस तरह आपके पास जैसे ही हमने स्पेसिमन रखे हुए, ये हम दिखा देते हैं जब जिस इसका नाम आएगा, तो स्पेसिमन रखे हुए होते हैं वो कहते हैं देखें सी स्टार रखी हुई ना, आपको पता चल जाएगा, लिखा नहीं होगा उसके ऊपर, आपको उसका स्ट्रक्चर देख के पता चल जाएगा ये सी स्टार है, लिहाजा लिखा होगा ए पे बी सी डी, इन पांचों की ना पांच पांच प्रॉपर्टीज लिख दो, सारे बच्चे वो स्पेसिमन देख के अच्छा ये सी स्टार लग रही है तो सी स्टार की पांच प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। तो ये एक्चुअल प्रैक्टिकल ऐसे होता है। रिकॉग्निशन ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट फ्रॉम द फ्रेश एंड प्रिजर्व स्पेसिमन्स, या फ्रेश हो फ्रेश तो अवेलेबल नहीं होते तो प्रिजर्व भी होते हैं हमारे पास पहले से मौजूद होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अपेरेंट डिस्टिंग्विशिंग टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स। तो आपको जब मैंने क्वेश्चंस लिखवाए थे तब यही लिखवाया था ना कि जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स हैं कौन कौन सी खसूसियात जो हैं जो एक जानदार को दूसरे से अलहदा करेंगी, एनिमल को प्लांट से अलहदा करेंगी, बोनी फिशेज को कार्टिलेजिनस फिशेज से अलहदा करेंगी, प्लेनेरिया को, अर्थवर्म को, स्टार फिश को, इनको आपस में एक दूसरे से कौन सी करेक्टर्स हैं, किस बुनियाद पर आप इनकी अलहदगी करोगे, जो क्लासीफिकेशन की बेसिस हैं, आपने पढ़ा था ना सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज अमंग द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, होमोलॉजी, ये सारी की सारी है ना वो स्टडीज हम करते हैं। तो किंगडम एनिमिलिया में बेटा सबसे पहले बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में देखें तो किंगडम एनिमिलिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। सबसे पहले हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स हैं विदाउट बैकबोन एंड द वर्टिब्रेट्स विद बैकबोन बेटा, ठीक है? तो किंगडम एनिमिलिया के कितने बड़े ग्रुप्स हैं, दो। सबसे पहला कौन सा बेटा, वर्टिब्रेट्स, और दूसरा कौन सा है, इनवर्टिब्रेट्स। अब सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो ऐसे जानदार होते हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती, और वर्टिब्रेट्स ऐसे जानदार होते हैं जिनके अंदर बैकबोन होती है। तो आपसे पहला क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा जाए तो सिंपल क्वेश्चन वाइवा वॉस क्वेश्चन भी यही बनेगा बेटा, डू यू नो अबाउट द वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो बच्चे कहते हैं नाम तो सुना है लेकिन हमें पता नहीं है। तो वर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम हो, रीढ़ की हड्डी हो, इनवर्टिब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी ना हो बेटा। तो किंगडम एनिमिलिया है, किंगडम एनिमिलिया में बाद हम देखते हैं द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट इनवर्टिब्रेट्स आर एज फॉलो। सबसे पहले इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म शुरू हो रहे हैं, फिर वर्टिब्रेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो इनवर्टिब्रेट्स में सबसे पहले जेलीफिश है, क्या है, जेलीफिश। यू नो आपने पढ़ा था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में एग्जाम्पल पढ़ी थी, जेलीफिश, क्राइफिश, जो हमारे पास जो है ना वो फिशेज हैं, नाम में तो फिश आता है, हकीकत में ये फिश नहीं है, ये बायोलॉजिस्ट की फिश की डेफिनेशन में फिट नहीं होती, ठीक है? ये तो क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करती हैं, तो इंसेक्ट्स वगैरह में आती हैं। तो सबसे पहले जेलीफिश है, द बॉडी इज मेड अप ऑफ टू जर्म लेयर्स। अच्छा आप देखें जब भी हमारी डिवेलपमेंट होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें, सबसे पहले जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट में फर्दर सेल डिवीजन होती है, तो फिर उसमें एक बॉल ऑफ सेल बन जाती है, एक स्टेज आती है जिसमें सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट होती है, ठीक है? तो ब्लास्टोमेर्स उसमें एक स्टेज है ब्लास्टोमेर्स की डेवलपमेंट में जिसमें हमारे जो सेल्स हैं वो तीन लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है? जो एक बॉल ऑफ सेल बनी हुई है ऐसे समझे, उस बॉल में तीन लेयर्स बन जाएंगी, एक एक्टोडर्म, एक मीजोडर्म और एक एंडोडर्म, ठीक है? बहुत से ऐसे जानदार जो कि किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करते हैं जो कि वर्टिब्रेट्स होते हैं वो तकरीबन तीनों लेयर से मिलकर बनते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है? ये एम्ब्रियोनिक लेयर्स की बात करें, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे हमारी स्किन है, आप एफएससी में याद करोगे कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे हमारा स्केलेटन है वो कौन सी लेयर बनाएगी, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, हमारा स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम वो किस लेयर के जिम्मे होगा, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी स्किन, हमारी बॉडी के आउटर टिश्यूज वो किस लेयर के जिम्मे होंगे। तो यही आपने विटामिन ए का भी फंक्शन पढ़ा था, सेल डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो उसमें भी यही बात है कि जब हमारे पास डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करना शुरू करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स बनाना शुरू करते हैं, तो उस स्टेज को हम कहते हैं ये डिफरेंशिएशन की स्टेज है, ठीक है? तो ब्लास्टुला एक स्टेज है, उसके बाद ये जो जर्मिनल लेयर्स हैं ये अलहदा हो जाती हैं। तो खैर इसमें टू जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म।
इनमें मीजोडर्म नहीं होती, जब मीजोडर्म नहीं होती तो इनके अंदर प्रॉपर इंटरनल ऑर्गन्स भी नहीं होते, कोई खास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा नहीं है जैसा हमारे अंदर सांस लेने वाला है, इस तरह की कहानियां नहीं होंगी इनमें। द डाइजेस्टिव सिस्टम कैविटी हैज ओनली वन ओपनिंग, देख लें एक ही ओपनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम कैविटी की, कैविटी है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा नहीं है, देयर इज नो रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं, क्यों, क्योंकि रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम बनाने वाली लेयर ही नहीं है जो कि मीजोडर्म होती है। उसके बाद देयर इज नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जेलीफिश आर फाउंड इन द ओशंस, सम स्पीशीज आर आल्सो फाउंड इन द फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर में भी अवेलेबल होती हैं। उसके बाद बेटा प्लेन एरिया, द बॉडी इज मेड अप ऑफ द थ्री जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ये बेसिकली फ्लैट वर्म है, लेनेरिया किसमें आता है, फ्लैट वर्म में। द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज ओनली वन ओपनिंग, देयर इज नो रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम, दे पोजेस अ डेफिनेट हेड विद अ सेंस ऑर्गन, इसके पास हेड होता है, इसके ऊपर सेंस ऑर्गन्स हैं, आप देखेंगे तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर भी ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है जैसा हमारी बॉडी में है, ठीक है। तीन लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं, दो लेटरल और एक सेंट्रल कैनाल है, ठीक है, इसकी बॉडी के तकरीबन सेंटर में, ये देखें ये जो निशान नजर आ रहे हैं आपको, यही इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसकी बॉडी के तकरीबन बैक पे पोस्टीरियर साइड पे अगर हम देखें तो वहां पे एक छोटा सा गुलेट लाइक माउथ बना हुआ होता है, ठीक है, ऊपर मुंह नहीं होता यहाँ पे, ये ना समझना कि यहाँ पे मुंह है इसका। अब साइड पे लिखा हुआ है, देयर आर मोर इंसेक्ट्स इन अ सिंगल स्क्वायर माइल ऑफ द फर्टाइल सॉइल देन देयर आर पीपल ऑन द एंटायर अर्थ, वो कहता है कि अगर एक जगह देखें, एक स्क्वायर माइल देखें आप, यानी एक किलोमीटर का स्क्वायर बना लें, उसके अंदर अगर आप देखें फर्टाइल सॉइल है तो उसमें इतने इंसेक्ट्स होंगे जितने दुनिया में टोटल पीपल, ठीक है, यानी इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा है। फिर एस्कैरिस है, ये भी बच्चों के पेट में कीड़ा होता है, आपने जब पैरासाइट्स पढ़े थे तो एंडो पैरासाइट्स में भी इसकी एग्जांपल पढ़ी थी। इट इज़ अ ह्यूमन पैरासाइट, लिखा भी हुआ है, विद द ट्यूबुलर बॉडी फॉर्म्स, इनकी ट्यूबुलर बॉडी होती है, इट्स डाइजेस्टिव ट्रैक हैज टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस, यानी देखें इससे पहले जितने भी जानदार थे उनमें सिर्फ एक ही ओपनिंग थी, यानी वहीं से वो फूड को इनटेक करते हैं, वहीं से एक्सक्रीशन करते हैं। द बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्री जर्म लेयर्स, इसकी बॉडी कितनी जर्म लेयर से बनती है, वो कौन कौन सी थ्री जर्म लेयर्स होती है बेटा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। उसके बाद अर्थवर्म है, ये बेटा सेगमेंटेड वर्म की क्लास में आता है, इट पोजेसेस अ सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंट्स होते हैं इसकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे, इट लिव्स एज अ फ्री लिविंग एनिमल एंड इज फाउंड इन द सॉइल, ये मट्टी के अंदर होता है इसीलिए अर्थवर्म बोलते हैं, इट इज क्लोज, इट हैज क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इट रेस्पायर्स थ्रू द स्किन, तो स्टिल इसके पास भी रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स वाली कहानी नहीं है। उसके बाद स्नेल है बेटा, इट्स बॉडी पोजेसेस अ मस्कुलर फूट, इसके नीचे मसल्स के पांव लगे हुए होते हैं जिसके जरिए ये क्रीप करता है, ठीक है, ऐसे लगता है जैसे जो है ना छोटा बच्चा क्रीपिंग करता है, रिड़ता है जमीन के ऊपर, बिल्कुल वैसे ही। इट्स बॉडी इज इनक्लोज इन अ कॉइल्ड शेल, अब इसका जो शेल है बेसिकली वो कैल्शियम कार्बोनेट और इस तरह का मटेरियल होता है इसके शेल के अंदर, जो हार्ड से होल सा बना हुआ है इसके ऊपर, जब इसको डेंजर वगैरह फील होता है तो ये अपने शेल के अंदर छुप जाता है, ये अक्सर समंदर के किनारों के ऊपर ये बहुत सारे जो है इसके शेल्स पड़े हुए होते हैं। हेड हैज टू टेंटिकल्स, हेड के ऊपर दो टेंटिकल्स हैं, ये देखें दो इसकी बड़ी बड़ी मूंछें से निकली हुई हैं, ठीक है, जो कि सेंसरी ऑर्गन्स का भी काम करती हैं। आई आर लोकेटेड ऑन द टेंटिकल्स, इसी टेंटिकल्स के ऊपर इसकी जो है ना वो आंखें मौजूद होती हैं। फिर एडीज एजिप्टी मॉस्किटो के बारे में है जो कि डेंगू फीवर काज करता है। इट बिलोंग्स टू द मेजर ग्रुप ऑफ द इनवर्टिब्रेट, जो कि इंसेक्ट्स हैं। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। दे यूज विंग्स फॉर फ्लाइट, दे पोजेस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पायर थ्रू द स्पेशल एयर ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं इनके अंदर, छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जदीद जानदार पढ़ते जाएंगे, सबसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आते जाएंगे, किसी में आप इसमें फर्स्ट ईयर के अंदर या बल्कि सेकेंड ईयर के अंदर जब आप एक्सक्रीशन पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें मिलेंगी पढ़ने के लिए। मिसाल के तौर पे आपने अभी होम्योस्टेसिस में एक्सक्रीशन में ह्यूमन के अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, किडनीज के अंदर अंदर फंक्शनल यूनिट कौन है, नेफ्रॉन। अब क्या किडनी के अंदर एक ही नेफ्रॉन है, नो, कितनी है, मोर देन 1 मिलियन, ऐसा ही है ना, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन इकट्ठी करके एक ऑर्गन में, छोटे से ऑर्गन में पैक कर दिए, डेंसली पैक कर दिए, ठीक है। अब ऐसे जानदार
जो इतने वेल डेवलप नहीं है, हमारी तरह नहीं है, हमसे छोटे हैं। जैसे आप कॉकरोच में जाओगे या अर्थवर्म में जाओगे, ठीक है, इन तमाम जानदारों में जब हम एक्सक्रीशन देखते हैं तो इनकी पूरी बॉडी के अंदर ट्यूब्स फैली होती हैं। क्या हमारी पूरी बॉडी में नेफ्रॉन्स फैली हुई है? नहीं, उनको इकट्ठा करके एक ऑर्गन में पैक कर दिया है, ठीक है। यही एवोल्यूशन है कि मेटानेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया एंड देन नेफ्रॉन बन जाती है। तो बहुत से ऐसे जानदार, जैसे ये अर्थवर्म है, इनमें देखोगे तो मेटानेफ्रिडिया, ठीक है, तो अब वो पूरी बॉडी के अंदर इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम फैला होता है। लेकिन हमारी बॉडी में क्या किया अल्लाह ताला ने, उस सारी नेफ्रॉन्स को इकट्ठा करके एक ऑर्गन में पैक कर दिया। तो ये डिफरेंसेस आते हैं बेटा। तो जिस एग्जांपल दे रहे थे ट्रैकियल ट्यूब की, तो यही ट्रैकियल ट्यूब एक वक्त आएगा कि इंसानों के अंदर वो ट्यूब की बजाय वो पूरा एक लंग बन जाएगा, ठीक है। इट लिव्स एज अ फ्री लिविंग, बट द फीमेल ट्रांसमिट द वायरस ऑफ द डेंगू फीवर फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर। द मॉस्किटो ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका बट इट इज नाउ फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पाया जाता है अब ये। फिर सी स्टार है, जिसको हम स्टार फिश भी बोलते हैं। इट्स बॉडी इज स्टार शेप्ड एंड कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल राउंड डिस्क, सेंटर में राउंड डिस्क होती है, उसके साथ इसके आर्म्स अटैच्ड होते हैं, फाइव आर्म्स होते हैं इसके। द आर्म्स हैव द नंबर ऑफ द ट्यूब फीट ऑन द वेंट्रल साइड। बेटा वेंट्रल साइड जो कि नीचे वाली साइड है, लेट के हाथ जो है वो फिश की तरह, इसके जो नीचे वाली साइड है उंगलियों के, यहाँ पे इसके ट्यूब फीट होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पाँव लगे हुए ऐसे समझे। इट इज फाउंड ओनली इन ओशन, सिर्फ समंदरों में होती है, ये आम फ्रेश वाटर बॉडीज में नहीं होती। उसके बाद बेटे वर्टिब्रेट्स की कहानी शुरू होगी, इनवर्टिब्रेट्स की कहानी खत्म, ऐसा ही है। अब वो कहते हैं जो वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू फाइव क्लासेस, यानी अब क्लासेस हैं, टोटल पांच क्लासेस होती हैं इसकी, मैमल्स, बर्ड्स, बल्कि फिशेज से कहानी शुरू करते हैं, फिशेज, बर्ड, फिशेज, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बल्कि तरतीब इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में तरतीब देखें तो सबसे पहले फिश है, फिर एम्फीबियंस हैं, फिर रेप्टाइल्स हैं, फिर बर्ड्स हैं और देन मैमल्स हैं। क्योंकि फिश सिर्फ पानी में रहती है, एम्फीबियंस पानी और खुश्की दोनों पर रहते हैं, रेप्टाइल्स वो भी पानी और खुश्की दोनों पर रहते हैं लेकिन ज़्यादातर वो खुश्की पर रहते हैं, उसके बाद बर्ड्स एंड देन मैमल्स। ये क्लासिफिकेशन के अंदर इनके जो है ना क्लासेज हैं। तो सबसे पहले फिशेज की क्लास देखते हैं, पाइसिस की। फिशेज आर फाउंड इन द वाटर एंड आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड किसे कहते हैं? कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, कैन नॉट मेंटेन देयर, क्या हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं? यस, वी आर वार्म ब्लडेड, वी आर। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन, मिसाल के तौर पे बाहर अगर 50 डिग्री है तो इनकी बॉडी का भी 50 हो जाएगा, बाहर अगर ठंड है 5 डिग्री तक गया हो तो इनकी बॉडी का भी 5 डिग्री हो जाएगा। आप अक्सर देखें यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं, अगर एक फ्रॉग को आप बॉयल करना चाहें, ठीक है, आप पानी रखें, वो फ्रॉग को उठा के उस पानी में रख दें, स्लोली आप उस वाटर का टेम्परेचर राइज करें, फ्रॉग को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि फ्रॉग भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता जाएगा, सर वो आल्सो कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। इतना नहीं है कि आप उसको जो है ना वो गर्म तेल में डाल दो फिर तो बेचारा भून ही जाएगा, ठीक है। आप उसको एक टॉलरेबल रेंज तक अगर आप उसको इंक्रीज करते हो पानी को, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ये नहीं है कि उसको उबलते पानी में आप देखोगे इसकी हड्डियां नहीं गल रही, कुकर में डाल दिया आपने। फिर ये बात होगी, देयर आर थ्री मेन ग्रुप्स ऑफ द फिशेज। बेटे मछलियों की भी आगे फर्दर कैटेगरीज है, जैसे क्लास के अंदर फर्दर ऑर्डर्स एंड देन फैमिलीज एंड देन जेनरा। जालस फिशेज हैं, जालस फिशेज डू नॉट हैव जॉज, इनके जबड़े नहीं होते, दे हैव लॉन्ग एंड ईल लाइक, ईल कहते हैं पतली सी लंबी सी, जैसे अब चाइना ने ट्रेनें बनाई है, जितनी भी ये फास्ट मूविंग ट्रेन होती है उनकी बॉडी ईल लाइक ही होती है, बारीक आगे से चोंच नुमा। अच्छा जी, एंड डू नॉट हैव पेयर्ड फिन्स, इनके फिन्स भी नहीं होते, जैसे आम मछली के साइडों पे फिन्स लगे हुए होते हैं, जैसे बर्ड्स के पर होते हैं विंग्स होते हैं, तो मछलियों में जो है ना वो फिन्स होते हैं। देयर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, इनका जो स्केलेटन है किसका बनता है, इसका मतलब ये कार्टिलेजिनस फिशेज तो नहीं है लेकिन जालस फिशेज की कैटेगरी में आएंगी, अगली जो है उनकी होल बॉडी कार्टिलेजिनस फिशेज से बनी होगी। अच्छा जी, दे डू नॉट हैव स्विम ब्लैडर, इनके पास स्विम ब्लैडर नहीं होता। स्विम ब्लैडर मछलियाँ पानी में अप डाउन मूवमेंट के लिए यूज करती हैं। आपने देखा होगा बच्चे अगर नहर में नहा रहे हैं तो कैसे नहाते हैं, अगर आप भी स्विमिंग पूल में नहाने जाएं तो साथ क्या लेके जाते हैं, ट्यूब लेके जाते हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल की या गाड़ी की जो टायर के अंदर ट्यूब होती है उसको लेके जाते हैं, उसमें हवा भर लेते हैं और हवा की डेंसिटी आपको पता है पानी से कम होती है, उस ट्यूब को पानी में डालते हैं, उस ट्यूब के ऊपर बैठ के सुकून से जो है ना वो नहा रहे होते हैं स्विमिंग पूल में। छोटे बच्चों को भी देखे ना, उनके टब आते हैं उनमें हवा भर देते हैं, ठीक है, अब वो उनको जो है ना वो सिंक नहीं होने देते, डूबने नहीं देते, ऐसा ही है। तो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था इसकी स्विम ब्लैडर की, इन मछलियों के अंदर एक ब्लैडर होता है, ये क्या करती हैं, उस ब्लैडर में पहले पानी भरती हैं, ठीक है, पानी भर लिया, अब उसको ब्लैडर के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो पानी को स्पीड से जब ये इजेक्ट करेंगी, तो आपने एक्शन रिएक्शन पढ़ा था न्यूटन का लॉ, ठीक है, पानी नीचे जाएगा और ये मछलियाँ
ऊपर जाएंगे, ऐसे पानी में खेलती रहती, पानी भरा जूम ऊपर, ठीक है, फिर वहां चले गए, फिर दोबारा पानी भरा, फिर अगले ऐसे, तो दे हैव स्विम ब्लैडर। लेकिन इनके पास स्विम ब्लैडर नहीं होता जाले स्पीशीज के अंदर। लैम्प्री एंड हैगफिश इसकी एग्जांपल है बेटा। कार्टिलेजिनस स्पीशीज हैं, स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, माउथ इज वेंट्रली लोकेटेड, थोड़ा सा वेंट्रल साइड पे, देखो कुछ मछली होती है ना सामने, जैसे बिल्कुल ये पेन है तो बिल्कुल यहाँ पे उसका मुंह हो मछली का, लेकिन इनका मुंह जो है वो बिल्कुल सामने नहीं है, नीचे है, थोड़ा सा वेंट्रल साइड पे है, ठीक है, जरा देखें इसका मुंह नजर आ रहा है आपको, वेंट्रल साइड पे है। विद अपर एंड लोअर जाज, इसमें जाज होते हैं, उसमें मछली में जाज नहीं थे, जबड़े नहीं थे। दे डू नॉट हैव स्विम ब्लैडर, इनमें भी स्विम ब्लैडर नहीं होता। गिल्स आर नॉट कवर्ड विद अपरक्यूलम, इनके जो गिल्स हैं उनके ऊपर अपरक्यूलम नहीं होता। देखिए जब मछली लेने जाते हैं, ये जो डबरा मछली लेके आते हैं वो बेच रहा होता है, ठीक है, तो उसके साइडों के ऊपर अगर उसका जब वो काट के बना के मछली हमें देता है तो साइडों से जब उसके गिल्स निकालता है तो उनके ऊपर पूरे कवर होते हैं, अपरक्यूलम होता है, पूरा एक मतलब बोनी पोर्शन होता है, ठीक है, जो उनके गिल्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है उनके मुंह के करीब, ठीक है, वो उंगली से भी खोल के हम देख रहे होते हैं कि क्या ये फ्रेश मछली है या ओल्ड है, तो ये उसके ऊपर जो है ना वो अपरक्यूलम नहीं होता। दे हैव टफ स्किन, इसकी स्किन जो थोड़ी सी टफ होती है, शार्क रे एंड द स्केप इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद बोनी फिशेज हैं, बोनी फिशेज को बोनी फिशेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो स्केलेटन है वो हड्डियों से बना होता है, जैसे आम मछली हम खाते हैं। स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स, दे हैव टर्मिनल माउथ, बिल्कुल एंड पे टर्मिनल पोजीशन पे इनका माउथ होता है। दे हैव स्विम ब्लैडर, गिल्स आर कवर्ड बाय ऑपरक्यूलम, स्किन इज यूजुअली कवर्ड विद स्केल्स, इनकी पूरी स्किन जो है वो स्केल से कवर्ड होती है, वो जो तारों वाले ब्रश से उसकी स्किन के ऊपर से स्केल उतार के देता है, मछली को साफ करके देता है, तो इनके जो स्केल्स होते हैं ये बड़े स्लिपरी से होते हैं, ठीक है, पानी में बड़े स्विम करने में हेल्प करते हैं। कहता है सम डू नॉट हैव स्केल्स, कुछ के अंदर स्केल्स नहीं होते, जैसा कि ट्राउट है, ट्राउट मछली के अंदर स्केल्स नहीं होते। ये आप मरी वाले इलाके में या आगे जाओ नारान कागान या कश्मीर वाली साइड पे, जहाँ पे आबशार हैं और ठंडे पानी के चश्मे हैं, वहाँ पे ट्राउट मछली, उन लोगों ने ट्राउट फॉर्म्स बनाए होते हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल के इसकी ट्राउट है, पर्क है, ट्यूना है, वगैरह वगैरह। उसके बाद बेटे नेक्स्ट हमारे पास है क्लास एम्फीबिया, एम्फीबियंस। बेटे एम्फी का मतलब मैंने आपको बताया था, एम्फीमीन बोथ, एम्फीमीन ऐसे जानदार जो दोनों जगहों पर रह सकते हो, जो पानी में भी रह सकते हो और खुश्की पे भी रह सकते हो। साइंटिस्ट का यही ख्याल है कि सबसे पहले जो तमाम जिंदगी थी, लाइफ थी, वो पानी तक महदूद थी, फिर कुछ मछलियों ने, कुछ जानदारों ने कोशिश की कि वो एक तालाब से दूसरे तालाब में जाने के लिए छलांगे लगाते थे, कोशिश करते थे जाने की, तो दे स्पेंड सम लिटिल टाइम ऑन द लैंड, वो जमीन के ऊपर कुछ थोड़ा सा वक्त गुजारते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता उनमें एवोल्यूशन होती चली गई, तो इस तरह के जानदार पैदा हो गए एम्फीबियंस, जो पानी में भी रह सकते हैं और फिर खुश्की पे भी रह सकते हैं। दे लिव इन बोथ हैबिटेट्स, वाटर एंड लैंड, दे हैव ग्लैंडुलर स्किन दैट लैक स्केल्स, इसके ऊपर स्केल्स नहीं होते लेकिन ग्लैंडुलर स्किन है, बड़ी स्लिपरी होती है। फ्रॉग का एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, फ्रॉग को आप ऐसे हाथ में पकड़ नहीं सकते, हाथ में से स्लिप हो जाता है, ठीक है, बड़ा स्लिपरी होती है इनकी स्किन। दे हैव बोनी स्केलेटन, इनका स्केलेटन जो है वो बोनी होता है। अडल्ट मेंबर्स हैव द लंग्स, अडल्ट मेंबर्स के अंदर लंग्स भी होते हैं। ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंटल स्टेजेस दे हैव गिल्स, जब ये डेवलपमेंटल स्टेजेस में होते हैं तब इनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। सम अडल्ट रिटेन गिल्स थ्रू आउट द लाइफ, कुछ अडल्ट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर गिल्स रह जाते हैं। एक स्टेज होती है दैट इज मेटामॉर्फोसिस, पढ़ी थी आपने मेटामॉर्फोसिस, कहाँ पढ़ी थी, कि कुछ हॉर्मोन्स मेटामॉर्फोसिस करवाते हैं, सडन जो है ना वो चेंज आती है इन ऑर्गेनिजम्स में कि वो लार्वे से अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप एक छोटे मेंढक को देखें तो जस्ट लाइक मछली नज़र आता है, उसकी भी दूम होती है, टेल होती है, लेकिन जब ये अपनी अडल्ट फॉर्म में आते हैं तो इनकी शेप, इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो हॉर्मोनल कंट्रोल में ही होता है, तो उनकी टेल जो है ना वो खत्म हो जाती है, टेललेस हो जाते हैं। दे ब्रीथ थ्रू द लंग्स गिल्स एंड स्किन, तीनों जगहों से जो है ना सांस लेते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो फ्रॉग है वो हाइबरनेट हो जाते हैं फुल सर्दियों में, मट्टी में चले जाते हैं और बड़ी देर बाद सांस लेते हैं, तो सांस वो स्किन से ये रेस्पिरेशन कर को लेते हैं अपनी। दे हैव टू पेयर्स ऑफ द लिम्स, दे रिप्रोड्यूस इन वाटर, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड मीन दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। फ्रॉग टोड, ये फ्रॉग की टाइप है, टोड छोटे होते हैं, स्लेमेंडर एंड न्यूट, ये न्योला वगैरह जो होता है, न्योला नहीं देखा, ये अक्सर आप जाए तो रोड क्रॉस करके एक फसल से दूसरी फसल में घुस रहा होता है, जंगलों के अंदर ही बहुत होते हैं। क्लास रेप्टीलिया बेटे, रेप्टाइल्स की क्लास, और रेप्टाइल्स तमाम पेट के बल रेंगने वाले, जैसे जो है ना ये
क्रोकोडाइल की एग्जांपल है, तो क्रोकोडाइल बेसिकली ये पेट के बल जो है ना ये क्रीप करता है, ये इसकी टांगे जस्ट सहारा देने के लिए होती हैं। अगर आप देखा हो इसको जब ये चलता है तो टांगों से सिर्फ ये अपनी बॉडी की पोजीशन मेंटेन करता है, जोर जो है वो सारा बैली मसल से ही लगा रहा होता है ये। मोस्ट आर द टेरेस्ट्रियल एंड फ्यू लिव इन वाटर, कुछ ज्यादातर ये टेरेस्ट्रियल है, खुश्की पे रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं। देयर स्किन इज हार्ड विद स्केल्स एंड स्क्यूटस एंड बोनी प्लेट्स, इसकी स्किन बड़ी हार्ड होती है मगरमच्छ की, क्रोकोडाइल की देखना, ऑलमोस्ट जितने भी ये रेप्टाइल्स हैं इनकी स्किन ऐसी होती है। दे हैव बोनी स्केलेटन, दे हैव टू पेयर्स ऑफ द लिम्स एब्सेंट इन स्नेक, स्नेक में लिम्स नहीं होते, लेकिन स्नेक बिलोंग्स टू रेप्टिलिया क्लास। दे हैव एग्स विद द लेदरी शेल्स, अंडे देते हैं लेकिन उनके लेदरी शेल्स होते हैं। रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू द लंग्स, दे आर कोल्ड ब्लडेड लिजर्ड, स्नेक, टर्टल, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ये सारे के सारे जो है क्लास रेप्टिलिया से बिलोंग करते हैं। अच्छा, इसके बाद ये फैसिनेटिंग फैक्ट एक छोटा सा लिखा हुआ है कि क्रोकोडाइल्स टंग इज अटैच्ड टू द रूफ ऑफ इट्स माउथ, अंदर वाली साइड से उसके मुंह के ऊपर वाले जबड़े में चिपकी हुई होती है इसकी जबान, ठीक है। फिर क्लास एवीज, बर्ड्स भी हम कहते हैं कि ये बर्ड्स की क्लास है बेटा। अब परिंदों की फीचर्स हैं आमतौर पर पूछ ली जाती हैं, बहुत आसान सी हैं कि परिंदे आपने देखा होगा कि जितने देखने में लग रहे होते हैं उतने वजनी होते नहीं हैं, ये बड़े हल्के होते हैं क्योंकि इनकी हड्डियाँ अंदर से हॉलो होती हैं, खाली होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनके स्केलेटन का वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से उड़ने में इनको आसानी होती है। द बॉडी इज कवर्ड विद फीदर्स, होल बॉडी इनकी फीदर से कवर्ड होती है, पर होते हैं। अब वो क्यों है, क्योंकि इनकी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेनेंस की जरूरत होती है। दे आर वार्म ब्लडेड, दे आर, बाकी जितनी भी तीनों क्लासेस पढ़ी सारे के सारे क्या थे, कोल्ड ब्लडेड। अच्छा जी, दे आर लिम्स, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इनके सामने वाले बाजू जो है वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। ऑल आर द बर्ड्स हैव द हॉर्नी बीक्स एंड ले एग्स, इनकी चोंच होती है, बड़ी तेज तेज चोंचें होती हैं इनकी, देखे ना, गोश्त है या इंसेक्ट्स हैं उनको चीर फाड़ करने के लिए तेज इनकी जो है वो चोंच होती है। एंड ले एग्स, अंडे देते हैं। दे हैव हॉलो एंड द लाइट बोन्स, हड्डियाँ इनकी खाली और हल्की होती हैं। दे हैव एयर सैक्स, इनमें हवा की थैलियाँ होती हैं, विच असिस्ट द लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, जो लंग्स को रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड, दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, क्रो है, स्पैरो, पिजन, पैरट, जितने बर्ड्स आप लिखना चाहें यहाँ पे लिखते हैं। फिर लास्ट में क्लास मैमिलिया बेटे, जिसमें हम भी शामिल हैं। बॉडी इज कवर्ड विद हेयर्स, अब क्वेश्चन आ जाएगा मैमल्स की फाइव प्रॉपर्टीज लिखें, तो आप यहाँ से लिखते हैं, फाइव फाइव ही ऑलमोस्ट सबकी मैंशन है। देयर स्किन हैज द स्वेट ग्लैंड, सेंट ग्लैंड, स्पीशियस ग्लैंड एंड मेमरी ग्लैंड। देखें स्किन के ऊपर हमारे सारे ग्लैंड हैं, स्वेट ग्लैंड, पसीने वाले ग्लैंड पहले ही एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन ये जो सेंट ग्लैंड है ये अडल्ट होने के बाद हर इंसान की एक स्पेसिफिक पसीने की स्मेल होती है। स्पीशियस ग्लैंड, सीबम वाले ग्लैंड भी अडल्ट होने के बाद हार्मोनल कंट्रोल में ही एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से ऑयली स्किन, सीबम आ जाता है स्किन के ऊपर। और मेमरी ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते हैं, तो यही मैमल्स की प्रॉपर्टीज ही यही है। ऑल मैमल्स हैव द एक्सटर्नल एयर्स एंड मूवेबल आईलेट्स, इनकी आईलेट्स जो है ये मूवेबल होते हैं और कान भी इनके बाहर होते हैं, एक्सटर्नल एयर्स हैं। दे हैव मेमरी ग्लैंड्स दैट सीक्रेट मिल्क फॉर द नरिशिंग द यंग, अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए मेमरी ग्लैंड्स हैं। दे आर वार्म ब्लडेड, मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, हमारा 37 है तो 37 ही रहेगा, अपना उन हो गया तो बुखार। एग्जाम्पल में कैट, कॉग, गोट, मैन एक्सेट्रा सारे यहाँ आ जाएंगे, ये सब बड़े किंगडम एनिमिलिया से रिलेटेड, ठीक है। अब इसी तरह किंगडम प्लांटी से रिलेटेड है, वो भी हम देख लेते हैं। किंगडम प्लांटी के अंदर आपने पढ़ा था कि हमने वास्कुलर एंड ए वास्कुलर प्लांट्स पढ़े थे, याद है। वास्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनमें वास्कुलर बंडल्स हो, और ए वास्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनमें जाइलम फ्लोएम। तो जिनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होते थे, क्या वो बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, नहीं, बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं, जैसे कारपेट बिछाया हो जमीन पे, मोसिस है, इन्हीं की एग्जाम्पल है ना। ए वास्कुलर है, इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं है, बहुत छोटे हैं, इनमें डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के जरिए पानी पहुंच जाता है। लेकिन अगर प्लांट थोड़े से बड़े होंगे, हर्ब्स होंगे या श्रब्स होंगे या पूरे ट्रीज होंगे, फिर इनके अंदर जाइलम फ्लोइंग होते हैं ताकि रूट्स के जरिए वाटर को एब्जॉर्ब करें और ऊपर तक लेके जाएं। नॉन वास्कुलर प्लांट्स, दे डू नॉट हैव वास्कुलर बंडल्स, एग्जाम्पल में बेटा मोसिस है, और वास्कुलर प्लांट्स दे हैव वास्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोइंग, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, आपने पढ़ा था, कौन कौन से होते हैं, एक तो सीडलेस प्लांट्स हैं और एक सीडेड प्लांट्स हैं। जो सीडेड प्लांट्स होते हैं उनको हम स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफाइट्स। फिर इनके अंदर भी एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, दोनों में बीज होते हैं, लेकिन एक में नेकेड सीड होते हैं और एक के अंदर फ्रूट भी होता है। अच्छा जी, सीडलेस प्लांट्स जो है दे हैव वास्कुलर बंडल्स बट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल,
चेरिस पी साइलेंट होता है इसमें एंड एडियंटम आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स। आपका फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 9 में सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ही यही है, एडियंटम का लाइफ साइकिल डिस्कस करें। अच्छा जी, उसके बाद सीड वाले प्लांट्स हैं आपके पास, सीडेड प्लांट्स हम इनको बोलते हैं। दे प्रोड्यूस सीड ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। सम सीड प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड देयर सीड्स आर नेकेड नॉट कवर्ड विद फ्रूट। वो कौन से होते हैं? कार्ड जिम्नोस्पर्म्स। सच सीड प्लांट्स आर कार्ड नॉन फ्लॉरिंग प्लांट्स आर जिम्नोस्पर्म्स। साइकस और पाइनस इसकी एग्जाम्पल है। अदर सीड्स सीड प्लांट प्रोड्यूस द फ्लावर्स एंड देयर सीड्स आर कवर्ड विद फ्रूट। सच प्लांट्स आर कार्ड फ्लॉरिंग प्लांट्स आर आल्सो नोन एज एंजियोस्पर्म। रोज, मैंगो, वीट, ब्रासिका, ये सब ऐसे हैं जिनको पहले फूल लगता है और फिर बाद में बीज और फ्रूट बनते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर ऑफ टू टाइप्स, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। ठीक है, मोनोकोट्स में क्या है? हैव वन कोटिलीडन इन द सीड लाइक द गार्लिक, ऑनियन, राइस, वीट, ग्रासेस। एंड डाइकोट्स हैव द टू कोटिलीडन इन द सीड्स, पोटैटो, टोमेटो, बीन्स, एप्पल एंड ब्रासिका। एक और इंपॉर्टेंट बात बेटे, जो कोटिलीडन्स है इनके सीड्स की बात हो रही है। अगर आप देखें, आपने कभी ऑनियन का सीड देखा है? ऑनियन का सीड, कलौंजी देखिए, कलौंजी बिल्कुल ब्लैक होती, छोटे छोटे सीड होते हैं, वैसे ही ऑनियन के सीड होते हैं। अब अक्सर लोग जो है ना वो अब इनके बीज बनाने के लिए तो प्याज ही उगाते हैं, और प्याज जब उग जाता है तो उसके ऊपर उसकी जो ब्रांचेस वगैरह निकलते हैं उसके टॉप पे एक छोटा सा जैसे स्पोरेंजिया बनता है, बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर इसके सीड बनते हैं। फिर उन सीड से इसकी सीडलिंग डेवलप की जाती है जिसको पनीरी बोलते हैं। वो जो सीडलिंग होती है उसको बाद में फिर प्लांट किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। पहले काफ़ी सारे बीज इकट्ठे ही थोड़ी सी जगह पर उगा दिए जाते हैं, फिर जब वो बीज उग जाते हैं, छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं, फिर उन पौधों को वहाँ से उखाड़ के अलहदा अलहदा करके ज़मीन में लगाते हैं, फिर वो प्याज बनते हैं। इसी तरह बाकी जो है ना यहाँ पे गार्लिक वगैरह, राइस भी इसी तरह, इसके पहले सीडलिंग पनीरी उगाते हैं और फिर बाद में जो है ना चावल की फसल बनाई जाती है। ये आगे बेटा इनकी जो है ना सब की डायग्राम्स दी हुई हैं। अब आपको इसका प्रैक्टिकल करने के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है? प्रिजर्व एंड लाइव एनिमल्स एंड द प्लांट, चार्ट, फोटोग्राफ्स, हैंड लेंस, कुछ भी मिल जाए बेटा। या तो प्रिजर्व मिल जाए, या लाइव मिल जाए एनिमल्स, प्लांट्स, चार्ट्स मिल जाए, फोटोग्राफ मिल जाए, इन सब से हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिंदा ही चाहिए, नहीं, उनकी तस्वीरें भी मिल जाए तो काफ़ी हैं इस लेवल पे। उसके बाद आपको हैंड लेंस चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास लाइव प्लांट है तो उसके पार्ट्स को देखने के लिए, उसको थोड़ा सा जूम आउट करने के लिए तो हमारे पास यही होंगे। प्रोसीजर क्या? ऑब्जर्व द स्पेसिमेन प्रोवाइडेड टू यू एंड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन। अब मिसाल के तौर पे ये आपके पास जेलीफिश, हम कहते हैं कि ये जेलीफिश है इस जार के अंदर, ठीक है। अब जेलीफिश इसके ऊपर तो टैग लगा हुआ है ना कि ये जेलीफिश है, लेकिन आपके पास टेबल पे ऐसे रखा हुआ है, उन्होंने इसको ए लिखा होगा इसके ऊपर, ठीक है। अब ये स्पेसिमेन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन भी तो यही था ना, प्रोवाइडेड स्पेसिमेन को रिकॉग्नाइज करें, उसकी तस्वीर बनाएं और उसकी तीन या चार डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर्स लिख दें। अब आपने देखा, अच्छा ये तो जेलीफिश लग रही है, तो लिहाजा आपने नोट किया और अपने जेलीफिश के जो है ना आपने उसके करेक्टर्स लिख दिए हैं। ये जेलीफिश आपको देखने में ऐसी नज़र आती है बेटा, ठीक है। ये आप निकाल के भी देख सकते हैं, ये प्रिजर्व स्पेसिमन होते हैं, फॉर्मालिन का मिक्सचर बनाया होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का मिक्सचर होता है। फॉर्मेल्डिहाइड एक एल्डिहाइड क्लास से बिलोंग करने वाला कंपाउंड है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा फंक्शनल ग्रुप्स में एल्डिहाइड कीटोन्स, तो उनका पहला मेंबर फॉर्मेल्डिहाइड होता है। उसका सोल्यूशन है जो कि एनिमल मॉडल्स को प्रिजर्व करने के काम आता है। ये डिफरेंट हमारे पास इनके अवेलेबल हैं, ये आपको दिखा देते हैं ताकि अगर आपको लैब के अंदर देखने को मिलें तो कैसे नज़र आते हैं। ये बेटा सी स्टार है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा फॉर्मलिन मिक्सचर कम हो गया है, इसको हम जो है सी स्टार और लीच हैं, दोनों इसी के अंदर डालते हैं स्टूडेंट्स ने। ये लीच है, देखें नज़र आ रही है, ये जोंक जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये स्पेसिमन होते हैं। और ये स्टार फिश है, देखो कितने बाजू हैं इसके, पांच नज़र आ रहे हैं। वो इतनी बड़ी मछली नहीं होगी जितनी रेड़ी पे पड़ी होती है, ठीक है, इतनी होंगी। अब ये सोचो कि ये स्टार फिश का बच्चा है शायद, ठीक है, ये बच्चा भी नहीं है, ये स्टार फिश ही है। अब ये वाले जो प्रैक्टिकल है, ये परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, जस्ट आपने देखना है और नोट करना है, ठीक है। ये बारी बारी सारे बच्चे देख लेना, आपको जो है ना यहाँ पे हम दिखा देते हैं। ये बेटा स्नेल होता है, इसको लिटा के इसका जो है ना यहाँ पे इसके टेंटिकल्स टूट गए होंगे बेचारे के, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर शेल और बाकी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। ये आप बारी बारी इनको देख लीजिएगा, ये स्नेल हो गया हमारे पास। ये लीवर फ्लूक है, ठीक है, ये भी बिल्कुल प्लेन एरिया की तरह, ये भी फ्लैट वर्म है बेटा, ये भी क्या है, फ्लैट वर्म है। इसी तरह सी कोकम्बर है, ये कोरल्स हैं, ये देखें आपने पढ़ा था कि कोरल्स आपको बड़े कलरफुल नज़र आते हैं, ठीक है, और ये सी कोकम्बर। क्रैब और सी एनीमोन दोनों हमारे पास हैं,
ये देखें ये सी एनीमोन है, आप पढ़ लोगे इसके बारे में भी, ये इनवर्टिब्रेट्स में ही आते हैं, और ये क्रैब है, ये बेचारा घुल ही गया सारा अंदर। बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद पोस्ट लैब एक्टिविटीज़ हैं, कंक्लूजन में सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, कंक्लूजन बेटा आपने नहीं की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ही नोट करनी है, लेकिन पोस्ट लैब एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन नोट कर लें बेटा। अच्छा बेटा इसमें पोस्ट लैब एक्टिविटीज़ में देखें, लिस्ट द वेज बाय विच बर्ड्स आर अडेप्टेड फॉर फ्लाइट। मैंने बताया कि परिंदे उड़ते क्यों हैं, कैसे उनके अंदर अडेप्टेशन है, उनकी बॉन्स बड़ी वजनी होती हैं, नहीं हॉलो बॉन्स हैं, लाइट स्केलेटन है इसलिए उड़ने में मदद देते हैं, उनके पास एयर सैक्स भी होती हैं। द बॉडी ऑफ द बर्ड इज कवर्ड विद फीदर्स, द फोर लिम्ब ऑफ द बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, दे हैव हॉलो एंड द लाइट बॉन्स। ये इसका आंसर है, एक दफा रिपीट कर देता हूँ। द बॉडी ऑफ द बर्ड्स इज कवर्ड विद फीदर्स, The four limbs of the birds are modified into wings. They have hollow and light bones, beta. दूसरा क्वेश्चन है, what type of the skeleton is present in fishes, जो कि pisces, amphibians, reptiles, birds and mammals? सबसे पहले fishes में देखें तो cartilage and bones दोनों होते हैं, amphibians में bony skeleton, reptiles में भी bony, birds में भी bony और mammals में भी bony, सब में bony skeleton है, और सिर्फ fishes मछलियों के अंदर जो है वो cartilaginous और bony skeleton है। Identify any two flowering and non-flowering plant present in your surrounding. तो बेटा आपने नाम लिख देने, फ्लॉरिंग प्लांट कौन कौन से होते हैं, पहले आपके पास नॉन फ्लॉरिंग प्लांट्स की हेडिंग लगाना, नॉन फ्लॉरिंग लिख देना फर्न्स और मोसेस हैं, और फ्लॉरिंग प्लांट्स लिख देना सनफ्लावर और रोज, जिस जिसको फूल लगते हैं। ड्रा द टेबल टू मैंशन द मेन डिफरेंसेज अमंग द ग्रुप्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स, परफॉर्म द एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ टीचर, ये आपने जो है ना टीचर की हेल्प से एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। मेन मेन जो डिफरेंसेज है देखें, कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड का डिफरेंस आया, ठीक है, बोनी स्केलेटन कार्टिलेजिनस स्केलेटन का आया, उनके हैबिटेट का आया, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ दोनों जगहों पर रहते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, और सबके अंदर कुछ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स थे, जैसे एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में भी स्केली बॉडी थी, ठीक है, मछलियों के अंदर भी स्केल्स थे, कुछ मछली में स्केल्स थे कुछ में नहीं थे, लेकिन बर्ड्स के अंदर स्केल्स की बजाय क्या है, फीदर्स हैं, और मैमल्स में फर होती है, उनके ऊपर जो है वो बाल है, स्किन है। इसी तरह मैमल्स डिस्टिंग्विश कैसे कर रहे हैं, वो उनके पास मेमरी ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्पीशियस ग्लैंड्स हैं, ठीक है, बाकी जानदारों के पास नहीं है। एम्फीबियंस के ऊपर क्या होते हैं, उनकी स्किन जो है ना वो स्लिपरी होती है, स्केली स्किन है, ये कुछ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स हैं बेटा एम्फीबियन ये तमाम के अंदर, ठीक है। उसके बाद ब्रेन टीजर क्वेश्चन है, ये आपके पास लिखे हैं ब्रेन टीजर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, Another possible way to classify the organisms would be separate them into the unicellular and multicellular organization. Yeah, this is not useful classification system because it provides insignificant information. आपने पढ़ा था कि species recognition criteria cannot be used as a classification जो है ना वो factor for the unicellular organism. Unicellular organism के बारे में species recognition की criteria को use नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास जो है ना वो organs ही नहीं होते। अच्छा जी, why the ventral muscles of the belly are most developed in the amphibians than in the fishes? कहते हैं कि the ventral muscles of the body are more developed because the amphibians crawl by using the belly muscles. मैंने आपको बताया कि amphibians and reptiles भी इनके जो belly muscles होते हैं वही help करते हैं इनको creep करने में, ठीक है। उसके बाद बेटा next practical है, वो हम next lecture में देखते हैं। इस whole topic में कोई question हो तो आप comment section में पूछ सकते हो। Thank you, Allah Hafiz.